तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यूअर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। उसी के साथ सुबह के बज चुके हैं 9:30 और कल भाई संडे था, संडे के दिन ज़्यादा वीडियो नहीं ले सका, वो इतना ले आया है तो जाके देख लेना और कैसा लगा वो कॉमेंट में बता देना। अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना, बुरा लगा हो तो भी बुरा बोल देना, क्योंकि जैसे आप बोलोगे हम देखेंगे और उस तरह से हम वीडियो अच्छे अच्छे बनाने की ट्राई करेंगे। हाँ, और उसी के साथ आज सोमवार है, सोमवार श्रावण महीना का फर्स्ट सोमवार है, तो मेरा और सोनल का दोनों का व्रत रहेगा। आज पूरे दिन खाएंगे नहीं, दोपहर को एकटाना करेंगे। तो चलिए किचन में जाके सोनल को मिलते हैं। तो सोनल जी, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप अभी? तो तेरे को नहीं खाने का है? कुछ नहीं खाया है अभी, खाने का है कि खाने का भी नहीं? तो मौसम भी पड़ी है, उसका जूस निकाल के पी ले। ऐसा है सोनल, सुबह में नहीं खाती है। मैं अभी सुबह में ना दूध पी लेता हूँ और थोड़ा सा उसमें वाइट डाल के पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पग ज़्यादा दुख रहना इसलिए। तो डॉक्टर ने बोला था कि दूध पीने का, तो दूध हम पी लेते हैं सुबह में। और दूध पीने के बाद मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मैं एक महीने से पी रहा हूँ, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसमें क्या है, पहले हम दूध नहीं पीते थे, कैल्शियम की कमी होगी तो दूर हो गई है। तो अभी सुबह में अभी थोड़ा टाइम भी पियेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। और बताइए अभी जो हाँ दोपहर को क्या खाने का है वो बता दीजिए। ऐसा है, तो ये तो हमारे लिए वो उपवास में तो दादी का दिन जो सांझे आवाना है ने, तो अत्यारे सूखी भाजी खीर करशु, तो बस सांझे का बनाऊं। ऐसा है, उसको भी सोमवार है, सोमवार नहीं तो बस रौनक नहीं ईर नहीं रहता, तो बस सांझे का बनाऊं। तो जरी अत्यारे फरार करना है। ऐसा है, और देख लीजिए दूध गरम हो रहा है, तो रोहित भाई उठेंगे फिर उसका भी ब्रेकफास्ट बनेगा, रोटी और चाय हमारा तो नहीं बनेगा। तो पूछेंगे आज के न्यूज में और सब कुछ क्या आया है। रोहित भाई का ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो उसके पूछते हैं आज के अखबार में क्या आया है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अखबार में क्या आया है? आज के अखबार में देखो, फ्रंट पेज पे श्रावण मास शुरू हो गया। आज श्रावण मास हो गया, सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन की करवाए। तो आप श्रावण मास का रहते हैं कि नहीं? सोमवार आप क्यों नहीं रहते हो? मैं पूछा नहीं रह सकता इसलिए। ऐसा है, रहना चाहिए कभी कभार। ऐसा है, तो रोहित भाई श्रावण मास के सोमवार नहीं रहते। और दूसरी न्यूज क्या आई है? दूसरी न्यूज ये आई कि वो हमने चंद्रयान भेजा था ना, हाँ, तो रशिया ने भी भेजा था, तो उसका कल फेल हो गया। हमारा सक्सेस तो सक्सेस हो आया, अभी 2-3 दिन बसा है पता। हाँ, 23 तारीख को पता चल जाएगा, अभी 2 दिन ही बसे है ना। और अभी पंजाब में बहुत पानी आया है, बारिश के हिसाब से पूर जैसा आया है। BSF की चौकी होती है वो पानी में डूब गई है। ऐसा है, और क्या है? और तो कल हमारे सूरत में भी बहुत बारिश आई थी। दो हमारे यहाँ पे 2-3 इंच बारिश आ गई, तो अच्छा है। 1-2 घंटे कंटिन्यू बारिश आई थी। देखो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो। तो ऐसा सब कुछ है, और है कुछ खास न्यूज के? तो ये थी रोहित भाई की न्यूज जो हमने पढ़ी, और अभी देखते हैं किचन में दोपहर का खाने का भी बनने का स्टार्ट हो गया है, तो क्या बनाने का है बता दीजिए। चलिए आज फूकी भाजी और खीर बना देंगे। रात को क्या बनाएंगे? रात साबुदाना की खिचड़ी बनाएंगे, उसकी रेसिपी देंगे। जो लोग व्रत रहते हैं उसको खाने में अच्छा लगेगा और अच्छा रहेगा। तो आपको भी और कमेंट करना कि कौन कौन लोग सोमवार रहते हैं। हम तो रहते हैं, क्या बोलती है? ऐसा है, करता हूँ यहाँ तो हम एक टाइम तो खा लेते हैं, क्योंकि हम भी पहले हम ऐसे ही करते थे। सोमवार रहते थे ना, तो हम वो पेटी ऐसा सब कुछ बहुत खाते थे, लेकिन अभी वो सब कुछ कम कर दिया है। ऐसे ही रहने का, एक टाइम खाने का और फ्रूट खा लेने का। तो हमारा वो मौसम्बी का मशीन लेने जाना है, वो कब आएंगे? अभी उसके बाद लेके आएंगे, तो हम वो मशीन ले लेंगे। तो सुबह में सब लोग को ऑरेंज का जूस ही पिलाएंगे,
तो चलिए अभी दोपहर के खाने के टाइम पे मिलेंगे। दोपहर के बज चुके हैं बाहर और पहुंच चुके किचन में, तो देखते हैं खाने में क्या बनाया है। तो देख लीजिए भाई, दोपहर के खाने में मस्त से मीठी खीर सोनल ने बना दी है और उसके साथ क्या बनाया है, सूखी भाजी बटेका की बना दी है। मोरैया की खीर अभी बनाई है, ये मोरैया की खीर है, ऐसा है। मुझे लगा कि वो सोखे की खीर है, ऐसा है। दोपहर को खाने में टाइम, तो ये सूखी भाजी बनाने में क्या क्या डाला है आपने? सूखी भाजी में आदू ने मरची अने लीमड़ा थी वघार करो, घर आपड़े गम्मी का घर पर अबरे होंदे राई थी वघार नहीं करवानो, जीरा थी वघार। ऐसा है, जीरा थी वघार। ऐसा तुझे किसने बताया? खबर हां, राई नो राई थी वघार करी फराळ नो करे, जीरो ना करे। तो भाई अभी खीर लपेटेंगे दोपहर को, मजा आएगा। और देख लीजिए खाने में साथों साथ हमारा फूड भी थोड़े से लेके आए है, ड्रैगन फूड और बनाना, रोटी बनानी है। हाँ तो खा लेंगे ना, हाँ तो अभी एक टाइम रोटी खा लेंगे, फिर शाम को कुछ नहीं खाएंगे। आज शाम को बनाएंगे हम साबूदाना की खिचड़ी। हाँ तो मैं तो अभी पहली बार खा रहा हूँ साबूदाना की खिचड़ी, मैंने कभी मुझे याद भी नहीं है बनाई थी। तो हाँ तो आज रेसिपी दे देंगे। और साबूदाना का वो बटेका पोवा के जैसे भी बनाते हैं मालूम है, वो फ्राई करके उसे वो क्या बनाते कि वो ही खिचड़ी होती है, ऐसा है। तो अभी देखेंगे किस तरह से बनाते हैं साबूदाने की, मैंने बनती हुई नहीं देखी है, तो शाम को देखेंगे किस तरह से बनती है और लपेट के बताएंगे कि कैसे। हम जब घर पे आए जाएंगे ना फिर ही बनाएंगे। चलिए गाइस, तो दोपहर के बज चुके हैं एक और देख लीजिए फराल करने के लिए आ गई है। तो खाने में बटेका की सूखी भाजी, मोरैया की सब्जी, रोटी और रोहित भाई सिर्फ खीर खाने वाले, खिचड़ी हाँ मोरैया की खीर, और सब खाने के लिए बैठ के। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐसा खाने के लिए वार रहना चाहिए, क्या बोलते हो रोहित भाई? ऐसा तो बनता नहीं है, बार बार होता है तब बनता है, तब बनता है, इसलिए मजा आता है। तेरे लिए है भाई, हाँ बना है फिर भी नहीं खा रहा, वो फिर भी नहीं खाता है, वो सिर्फ सूखी भाजी और खिचड़ी खाएगी। खीर तो हमारे होते ही है, मोरैया की और सूखी भाजी वो तो हमारी होती है, लेकिन मैं सबकी बात करता हूँ कि जब बाहर रहते हैं तब अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, ऐसे लगता है कि वेट कम करने की जगह वेट बढ़ जाता है। तो चलिए अभी गर्मा गर्म बनाया है तो पहले खा लेते हैं सभी के साथ। गाइस शाम को बज चुके हैं 7 और आ चुके हैं ऑफिस से घर पे, आज इसलिए लेट हो गया कि मैं करवाने गया था शेविंग। देख लीजिए तो कैसा लग रहा है हमारा न्यू लुक। और चलिए किचन में जाके देखते हैं, दोपहर को आपको बताया था कि साबूदाना की खिचड़ी बनाने की है, तो क्या सब कुछ तैयारी कर रखी है और पूछते हैं। और ये देख लीजिए अभी मेरे को ड्रैगन फ्रूट खाना है, तो ड्रैगन फ्रूट खाने के फायदे क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता है, तो आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। और खाने का तो खबर है, और अभी देख लीजिए वो खारी सिंह का भूखा हो रहा है, क्यों हो रहा है भूखा खारी सिंह का? खिचड़ी में डालने का है। और देख लीजिए सामने ही साबूदाने सब सुखा दिए है, तो जब तक सभी मसाला रेडी होता है तब तक हम ड्रैगन फ्रूट खा लेते हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। काफी सारा लेट हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं और तेल डालने का चालू कर दिया है। अभी खिचड़ी कुकर में बनती है, हम इसमें बनाएंगे कुकर में बने, पर हूँ तो पहले थी आ रही थी बनाऊं, बता रही थी बनावी नहीं। पहले थी એટલે ક્યાર થી? પહેલે થી એટલે જાને ખાવાની શીખીને ખાતા ત્યારે અમે આમાં પહેલે થી બને કુકર માં નથી બનાવી। તો ચલીએ ભાઈ, તેલ ડાલ દિયા, અભી ઉસકે ઉપર જાયેગી રાઈ કે જીરા? જીરું છે, જીરું राय आज नहीं जाएगी, वरना राय सबसे पहले जाती है। खिचड़ी में राय होए नहीं, ऐसा है। तो अभी नमक जाएगा, नमक नहीं जीरू नाखवानो, जीरू ने थोड़ी हींग नाखशो, पछी आदू मरची ना बधु जो आप देख लीजिए। साबूदाना पछी आ सिंगनो भूको और बटेटा आदू, और अभी दोपहर की खीर इतनी पड़ी है और सूखी भाजी भी इतनी पड़ी है, ये इसमें डाल दी होती तो तेल आने का स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर जाएगी राई
सॉरी जीरू, कभी कभार हमारा भी बोबड़ा जाता है, हमको इतना मालूम नहीं है किचन में क्या क्या होता है, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे ना, तो और देख लीजिए ये राय देख लीजिए अच्छे से फूल गए, उसके ऊपर गई हींग, और ये देख लीजिए कट्टी पत्ते, और इसमें जाएंगे पटेटोज, आलू बटेका आप जो भी बोलते हो डाल दिया है इसके अंदर, अभी इसको अच्छे से फ्राई करने का है। ये तो कच्चे है ना, हाँ तो जैसे बटेका पोवा बनाते उस टाइप से ये बनाने का है, पर आने चढ़ता इसको टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए अभी आलू को होने देते हैं फ्राई, वो भी फ्राई होने में बाकी है, उसके पहले डाल देंगे हम नमक, टाटा नमक, देश का नमक, और पीली बनाएंगे, व्हाइट नहीं बनाएंगे हम, उसमें जा रही हल्दी और येलो और लाइट येलो का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, उसके पे मांडवी सिंह का भूखा, ये खारी सिंह का भूखा है, हमने खारी सिंह का लिया है, कोई कच्चे सिंह का भी लेते है, तो सबको पकाने का है अच्छी तरह से, वरना कल पेट में दुखेगा, कच्चा रह जाएगा तो दुखे नहीं, दुखेगा दुखे तो चलो भाई, अभी इसके ऊपर जाएगा आदू मिर्ची, और क्या क्या है, आदू मिर्ची है, आदू मिर्ची भी डाल दिए, और लिमड़ा बहुत ज्यादा हो गया है ऐसा लग रहा है, मुख में आता है तो लिमड़ा ज्यादा नहीं डालने का, तो टेस्ट पकड़ाने के लिए डालते हो, तो साबुदाना कब अंदर डालने का है इसके, हाँ तो अभी 2 मिनट तक पकने देंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे साबुदाने। पटेटो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और कलर भी आ रहा है बहुत बढ़िया सा, अभी इसके अंदर हम डालेंगे साबुदाने, व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत बढ़िया सा, साबुदाना में पलाड़ी जो एकदम कोरा थी गया, कोरा अच्छी बनेगी, तो देख लीजिए अभी इसके अंदर पूरे के पूरे साबुदाना बन गए, हम 3 लोग हैं और साबुदाना की खिचड़ी ज्यादा हो जाएगी ऐसा मेरे को लग रहा है, खवाई जाए, तो इसमें तो हम उपवास रहे कि आज खाने का दिन है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा है कि हम अधिक महीने के भी 3-4 सोमवार रहे थे तो तब हम पूरे दिन कुछ खाते ही नहीं थे, दोपहर को एक टाइम खाते थे, लेकिन आज फर्स्ट सोमवार है तो भगवान को हम भूखे नहीं रख सकते, तो हम खुद ही भगवान है, हमारे अंदर जो बैठे वो भगवान ही है, उसको हम कैसे भूखे रख सकते हैं, तो इसलिए आज सोचा कि थोड़ा सा लपेटते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, तो आज खा लिया है, कितने टाइम से अभी नहीं खाई है तो खा ली है, तो देख लीजिए अभी भी अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा उसको मिक्स करना पड़ेगा, व्हाइट और येलो अभी थोड़े थोड़े साबुदाने व्हाइट दिख रहे है, तो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा साबुदाना डालने के बाद, तो आने वावे अजीज हाची हवे ज वार लाग, क्या आज व्हाइट व्हाइट छे ने बधा एकदम पानी जेवा થઈ જશે, ચાલ લગીને ને રહેવા દે, હવે આમાં પાણી નાખવાનું, પાણી નહીં નાખવાનું, અને આ રીતે હલાવ્યા રાખવાનું, એટલે એકદમ પછી ઓલું થઈ જશે, એટલે 5-10 મિનિટ જેવું લાગશે, તો અભી ભી 5-10 મિનિટ કા ટાઈમ લગેગા, આજ ધીમી રખને કી તો અચ્છે સે પકતા હે, જલ્દી જલ્દી, फास्ट गैस से क्या होता है पक जल्दी जाता है लेकिन मिठास नहीं आती है, तो इसको स्लो गैस से आपको पकाने का तो मजा आएगा खाने में, तो देख लीजिए भाई अभी हमारा साबुदाना ऐसे ही 5-10 मिनट तक मिक्स करेंगे और अच्छे से पक जाएगा फिर हम खा लेंगे। इस 5 मिनट के बाद हमारे साबुदाना की खिचड़ी हो चुकी है रेडी, उस पे जा रही है अभी धनिया, अरे धनिया जा रहे हैं, और देख लीजिए कितनी बढ़िया सा बन चुकी है साबुदाना की खिचड़ी, देख लीजिए लुक एट दैट क्या कलर आ रहा है, खाने में भी मजा आएगा, तो अभी आज का वीडियो इधर ही साबुदाना की खिचड़ी के साथ एंड कर देते हैं, है ना, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाते हैं गर्मा गर्म, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था, ये था हमारी साबुदाना की खिचड़ी, आपको कैसी लगी वो कॉमेंट करके बताना, और आप किस तरह से बनाते हो वो भी कॉमेंट करके बनाना, और श्रावण महीने के सोमवार में कौन कौन लोग पराग में ये खाते हैं वो लोग भी कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो
जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो पहले कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक बटनी चाहिए। जैसे जैसे सब्सक्राइब और लाइक बढ़ेगी ऐसे ऐसे ही हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी। और आपको अभी पता नहीं है कि सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का ताकत क्या है, किसी को भी कहीं पे भी काम आ सकता है, ऐसी सब कुछ है। तो चलिए कल मिलेंगे उस अच्छे नए कंटेंट के साथ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय।